तो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। तो दोस्तों आ गए हूँ आपके लिए एक और बहुत ही अफोर्डेबल कैटेगरी की कोठी लेके। आप मेरे पीछे ये व्यू देख ही रहे हैं दोस्तों। 72 गज में ये बनी हुई आपको कोठी मिलने वाली है। 2 BHK इंडिपेंडेंट घर रहने वाला है। लोकेशन की बात करूँ, गेटेड सोसाइटी, इंटरनल रोड सारी आपकी 35 फीट की रहने वाली है। और आपको दोस्तों बिल्कुल पटियाला हाईवे के साथ ये मिलने वाली है। पटियाला हाईवे से जैसे हम हाई ग्राउंड रोड को आते हैं, वहीं पे दोस्तों हाईलैंड मार्ग कहते हैं उसको, प्रभात रोड भी कहते हैं, उसी पे ही आपको इंडिपेंडेंट कोठी मिलने वाली है। बजट दोस्तों बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल कैटेगरी की कोठी रहने वाली है। सारी इसकी प्राइसिंग, साइजिंग, लोकेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, उसको आप ज़रूर चेक कर लें। तो इससे पहले हम टूर करें, बिल्कुल दोस्तों इसी के पास आपको ये जितना आप देख रहे हो ये आपको वाटर टैंक स्टोरेज दिख रहा होगा, और यहीं पर ये सारा आपका पार्क रहने वाला है। तो बिल्कुल आपको पार्क के पास आपको ये इंडिपेंडेंट घर मिलने वाला है। तो बहुत अच्छे रेट में है। इसको बिल्कुल दोस्तों टाइम वेस्ट ना करें। आपकी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमें जल्दी से कॉल करें और एक बार इसको चेक ज़रूर करें। तो आइए चलते हैं इसके अंदर। और देखिए रैंप के ऊपर आपकी एंट्रेस की टाइल्स लगी हुई है। यहाँ पर आपकी बाहर एक गाड़ी आराम से पार्क हो जाएगी, और आपके जितने 2 व्हीलर है वो अंदर आपके दोस्तों ईजिली पार्क हो जाएंगे। आप देखिए यहाँ पे सारा ग्रेनेट लगा हुआ है। और इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो इसका जो साइज़ रहने वाला है 16x5 का, और नीचे आपको स्टोरेज मिल जाएगी। और इस साथ आपको एक दोस्तों 2 व्हीलर पार्किंग मिल जाती है। यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने आपको टैप की पोजीशन भी दे रखी है। इसका जो साइज़ रहने वाला है वो है दोस्तों 9x4 का। वाटर स्टोरेज टैंक भी दोस्तों आपको मिल जाएगा। जी हाँ, वाटर स्टोरेज टैंक यहाँ से आपको मिल जाता है। यहाँ पर आपका जो 1500 लीटर के आसपास की वाटर स्टोरेज रहने वाली है। और ड्यूल एंट्रेंस आपको मिलती है, ये एक एंट्रेंस आपको यहाँ मिलती है। मैच डोर आपको ऐसे ही पूरे घर में मिलने वाले हैं। तो ये जब हम रूम के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ से व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए चलते हैं हमारे स्टेयरकेस एरिया की तरफ। और यहाँ पे सबसे पहले आपको नीचे मिल जाएगी स्टोरेज। तो यहाँ देखिए आप अपना कोई भी एक्स्ट्रा सामान यहाँ स्टोर कर सकते हैं। और ये आ गई हमारे घर की एंट्रेंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भी आपको मैच डोर मिलता है। ये आपकी जो दोस्तों विंडो है, ये हमारी किचन की विंडो है। आपको अंदर से पता चलता रहेगा आपके घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और ये आ गई हमारे घर की एंट्रेंस। तो एंट्रेंस में दोस्तों हमारा सबसे पहले ये आ जाता है सिटिंग एरिया। सिटिंग एरिया का जो साइज़ रहने वाला वो है 11x9 का। और आप ऊपर देखिए फॉल सीलिंग। जी हाँ, एज इट इज़ आपको ये फॉल सीलिंग मिलने वाली है। और यहीं पर स्टार्टिंग में हमारा आ जाएगा पहला बेडरूम। और ये आ गया हमारा पहला बेडरूम। और इस बेडरूम की अगर मैं साइज़ की बात करूं तो इसका साइज़ रहने वाला है 10.6x9 का। तो आप देख रहे हैं फॉल सीलिंग LED लाइट्स के साथ आपको इसमें भी मिलने वाली है। TV पैनल आपको मिल जाएगा। और ये हमारी आ गई ड्यूल एंट्रेंस। आप यहाँ से भी एक्सेस अपने घर का ले सकते हैं। और यहीं भी आपको एक बहुत बड़ी विंडो भी मिलती है वेंटिलेशन के लिए, सनलाइट के लिए। तो एक बहुत अच्छा वेंटिलेटेड घर आपको ये मिलने वाला है। सारी अमेनिटीज़ के साथ है। देखिए आपको सारी प्रोविजनिंग करके दी जा रही है। ये TV पैनल आपको एज इट इज़ इसमें मिलने वाला है। तो आइए चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। उससे पहले ये हमारा, जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा, ये हमारा सिटिंग एरिया आ जाता है। और सिटिंग एरिया के साथ ही हमारी आ जाएगी मॉडुलर किचन। और अगर मैं किचन के साइज़ की बात करूँ, इसका जो साइज़ रहने वाला है, मॉडुलर किचन एक अच्छे साइज़ की आपको किचन मिलती है। 8x6 इसका साइज़ रहने वाला है। यहाँ भी आपको देखिए चिमनी की प्रोविजनिंग मिलती है, और हाइड्रोलिक के साथ मिलने वाली है। ये देखिए यहाँ पे आपको सिंक मिल जाएगा। और सारी किचन आपको देखिए सॉफ्ट क्लोजर के साथ मिलने वाली है। और यहीं से अगर आप देखोगे आपको एक बहुत बड़ी विंडो मिलती है, ताकि आपको पता चलता रहे आपके घर में कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। मॉडुलर किचन बिल्कुल आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। यहाँ पे स्पेस आपकी मिल जाएगी रेफ्रिजरेटर की। यहाँ पे आप अपनी दोस्तों रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। और यहीं से हमारे सिटिंग एरिया के साथ ही आपको एक अटैच मिल जाएगा वॉशरूम। और आप देखिए इस पूरे वॉशरूम का व्यू। और अगर मैं वॉशरूम के साइज़ की बात करूं तो आप इसका साइज़ जो रहने वाला है वो है 7x4 का। तो आप देखिए सारी प्रोविजनिंग आपको करके दी जाएगी। विंडो आपको वेंटिलेशन के लिए मिलती है, और नीचे आपकी एंटीस की टाइल्स लगी हुई हैं। तो एज इट इज़ आपको सारी प्रोविजनिंग ये मिलने वाली है। तो इसी के साथ हमारा ये था व्यू हमारे वॉशरूम का। तो आइए चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। और यहाँ से एक्सेस आ जाता है हमारे सेकंड बेडरूम का। इसके अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 13x10 इसका साइज़ रहने वाला है। एक अच्छे साइज़ का आपका मास्टर बेडरूम ये रहने वाला है। और इसकी भी आप देखिए फॉल सीलिंग बिल्कुल एज इट इज़ देखिए LED लाइट्स के साथ आपको मिलने वाली है। और यहीं पे आपको पूरी वॉल पे आप देखिए आपको वार्डरोब मिलने वाले हैं बहुत बड़े साइज़ के। रूफ हाइट तक है और स्लाइडिंग के साथ है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें स्टोरेज मिलने वाली है। इसके नीचे आपको शू रैक मिल जाएगा, ये देखिए इसमें आपको ये शू रैक मिल जाएगा। इसी के साथ हमारा आ जाएगा ड्रेसिंग एरिया, और ये देखिए ड्रेसिंग एरिया, इसके पीछे भी आपको स्टोरेज मिलने वाली है और यहाँ भी देखिए आपको एक लॉकर भी मिल जाएगा। तो एक अच्छा डिज़ाइन, और आप देख रहे हैं स्टोरेज बहुत ज़्यादा हमें मिलने वाली है, क्योंकि स्टोरेज जितनी ज़्यादा उतनी कम पड़ती है। ये देखिए यहाँ पे भी आपको स्टोरेज है, क्योंकि हमारी माताओं बहनों का बहुत सारा सामान होता है, इसलिए स्टोरेज आपको बहुत सारी है रूफ हाइट तक मिलने वाली है। और इस रूम में भी आपको देखिए टीवी पैनल मिल जाएगा, और दोस्तों बहुत रेयर होता है अफोर्डेबल घर में आपको टीवी पैनल भी मिल पाए। दो दो वॉशरूम मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा रियर कोर्ट यार्ड, साथ साथ आपकी वेंटिलेशन बनी रहेगी। और ये देखिए आपको ग्लास के साथ सनलाइट अंदर आती रहेगी। और इस अगर मैं कोर्ट यार्ड के साइज़ की बात करूँ तो 5x5 इसका साइज़ रहने वाला है। यहाँ पर आपको प्रोविजन मिल जाएगी टैप की, आप अपने यहाँ वॉशिंग मशीन लगा सकते हैं। और ये रहेगा आपका डक्ट एरिया, यहाँ से आपके पूरे घर का वेंटिलेशन बना रहेगा। और ये घर दोस्तों इंडिपेंडेंट घर होने वाला है, इसके ऊपर आप 2 फ्लोर और बना सकते हैं। इसका नक्शा ऑलरेडी पास है, सारी क्लियरेंस है, रजिस्ट्री इमीडिएट रजिस्ट्री केस है, आप इसको एक बार चेक करें, ज़रूर विजिट करें। तो ये था हमारा टूर हमारी ग्राउंड फ्लोर का, और आइए आपको थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ हमारा दोस्तों रूफ का। रूफ बेसिकली अभी दोस्तों उसकी की हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वो ओपन नहीं है, बट फिर भी आपको व्यू दिखाने की कोशिश करता हूं। तो ये देखिए स्टेयर्स आपकी बाहर से मिलने वाली हैं, आप ऊपर की फ्लोर रेंट आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए पूरा ग्रेनाइट लगा हुआ है, और ये आ गया हमारा माउंटी एरिया। और ये देखिए यहीं से आपका आ जाएगा एक्सेस आपकी रूफ़ का। तो अभी रूफ़ की अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। यहाँ पर आप अपने ऊपर 2 फ्लोर और बना सकते हैं। तो आपको दोस्तों ये घर कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और आपको हमारे सोशल पेज, हमारा फेसबुक पेज, इंस्टा पेज, हमारा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलते हैं। आपके लिए ऐसे ही अफोर्डेबल घर और भी आएंगे, बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, सपोर्ट करते रहिए। यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।